नमस्कार दोस्तों, जब हम फोन पे ऐप से जो है पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस समय जो हमें 6 या 4 अंक का जो है हमें यूपीआई पिन जो है डालना होता है। तो हम उस यूपीआई पिन को जो है भूल चुके हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे कि नया यूपीआई पिन जो है कैसे बनाया जाता है। अगर हम देखिए, अगर पुराना वही पिन जो है डाल रहे हैं जो पिन हमें याद है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपने बार बार जो है रॉन्ग यूपीआई पिन जो है डाल दिए हैं, इसी की वजह से जो है आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है। आप अभी कहीं पर जो है पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो है अर्जेंट पैसा जो है कहीं पर ट्रांसफ़र करना है, लेकिन हम फ़ोनपे का जो है यूपीआई पिन जो है भूल चुके हैं, तो इसे कैसे जो है नया बनाना है, चलिए आइए डिटेल में जो है जानते हैं। आप लोग को इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बारवा टाइम। चैनल पर नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्ले स्टोर से फोनपे ऐप को जो है अपडेट कर लीजिएगा। तो चलिए, हम फोनपे का जो है यूपीआई पिन जो है हम पता करने वाले हैं, भूल चुके हैं, हमें नया बनाना है। तो इस सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, तो इस तरह का डैशबोर्ड जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपको बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो चलिए, हमने जो भी बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे फोन पे ऐप में, सारा बैंक अकाउंट हमें जो है यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद जो भी आप बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन जो है भूल चुके हैं, आपको नहीं मालूम है कि कौन सा हमें जो है 4 अंक का या 6 अंक का यूपीआई पिन था, तो आप लोग उस बैंक को सबसे पहले जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके सामने जो है रीसेट का ऑप्शन जो है दिख रहा होगा यहाँ पर, रीसेट का। तो जब रीसेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो यहाँ पर देखिए आपको अगर रीसेट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन जो है दिख रहा होगा। एक आधार कार्ड के जरिए भी जो है रीसेट कर सकते हैं, एक एटीएम कार्ड के डिटेल अगर आप एंटर कीजिएगा तो उसके जरिए जो है आप यूपीआई पिन को जो है रीसेट कर सकते हैं, नया यूपीआई पिन जो है बना सकते हैं अगर आप भूल चुके हैं। लेकिन अगर आप आधार के जरिए यूपीआई पिन सेट करने में जो है प्रॉब्लम आ रहा है, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से यूपीआई पिन जो है आधार कार्ड के जरिए जो है बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि एटीएम कार्ड जो है अपने हाथ में जो है ले लीजिएगा। एटीएम कार्ड लेने के बाद यहाँ पर देखिए 6 अंक का जो है आपको एटीएम कार्ड का लास्ट अंक जो है यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आपका एटीएम कार्ड का जो है एक्सपायरी मंथ और ईयर होता है, महीना और साल, यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद आप लोग को प्रोसीड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। जब रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है बैंक की तरफ से उस ओटीपी सेंड किया गया, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पर यूपीआई पिन जो है बनाना होगा। आप यूपीआई पिन जो है यही यूपीआई पिन के जरिए जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं। जब किसी को पैसा ट्रांसफर कीजिएगा तो यही यूपीआई पिन जो है आप लोग को डालना होगा। तो उसी पिन को हम जो है यहाँ पर डाल देते हैं, 4 डिजिट अपने अंक से जो है हमें जो है याद करके रख लेना है इस यूपीआई पिन को। तो यहाँ पर जो यूपीआई पिन, तो आप लोग को टिक वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, फिर इस यूपीआई पिन को जो है दोबारा से आप लोग को री एंटर कीजिएगा वही पिन को जो आपने पहले बनाया था। इसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली जो है यूपीआई पिन हमने जो है बना लिए हुए हैं। अब आप इसी यूपीआई पिन के जरिए जो है आप अपने अकाउंट का जो है बैलेंस आसानी से जो है चेक कर सकते हैं। इसके वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको मन में कोई भी अगर डाउट चल रहा होगा, एक नीचे हमें प्यारा सा कमेंट करके जो है बता सकते हैं।